तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, इट्स मी वैशन विद अनदर व्लॉग। तो आज गाइस मैं जा रहा हूँ गवंडी अप्पो लेके। क्यों लेके जा रहा हूँ क्या, तो व्लॉग में आके कंटिन्यू रहोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं घाटकोपर में हूँ, वो भी स्काई वो हो गया, आपको पता रहेगा किसी को घाटकोपर में रहोगे तो। ये मैं वहाँ पे हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग किया हूँ। अब मैं फिलहाल जाऊँगा बस से ट्रैवलिंग करूँगा, एक्चुअली ऑटो भी रहता है तो मैं ऑटो से हर बार ऑटो से ही जाता हूँ। गवंडी को ऑटो से 15 रुपये लगता है और बस से मेरे को नहीं पता, क्योंकि बस से आज फर्स्ट टाइम में जाऊँगा। एक्चुअली वेस्ट में हूँ अभी, मेरे को जाना है ईस्ट में, ईस्ट से मैं पकड़ूँगा बस, वहाँ से ब्लॉगिंग को स्टार्ट करूँगा आगे। अभी भी फिलहाल मैं आपके साथ बना हूँ। हाँ, तो आज मैं सोलो रहूँगा, कोई नहीं है मेरे साथ, तो आज अकेले ही रहूँगा पूरा ब्लॉगिंग में। तो गाइस बहुत दिन बाद मैं मिल रहा हूँ आपको, मेरे को आई थिंक बहुत दिन ही बात लग रहा है। तो चलो आज भी पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे हम लोग सब। फुल व्यूज आ रहा है मस्त। तो चलो ब्लॉग को आगे और कंटिन्यू रोकूंगा। बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइट लग रहा है। तो अभी फिलहाल ठीक है, फाइनली मैं ना ईस्ट वाले स्काई वॉक पे आया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मैं पहले तो वेस्ट वाले स्काई वॉक पे था, अभी ईस्ट वाला ऐसा स्काई वॉक। तो अभी इसके नीचे ऑटो और बस रहता है शिवाजी नगर के लिए। तो मैं आपको ना मतलब मैं उड़ी मतलब मैं जहाँ से उड़ी लेता हूँ ना, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ आपको। तो भाई बहुत अच्छे से बनता है वहाँ पे। तो चलो, तो फाइनली गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ। देखो यही ऑटो रहता है, ये बैगनवाड़ी है एक्चुअली, यहाँ से ही शिवाजी नगर जाता है। और यहाँ पे पीछे ना बस की लाइन है बहुत बड़ी है, तो मेरे को बस से तो मेरे को लग रहा है मेरे को ट्रैवल करने के लिए नहीं आएगा गाइस, मैं ऑटो मार के ही जाऊँगा सेफ, क्योंकि बस में इतना लाइन में नहीं लगा पाऊँगा। तो चलो जाएंगे रिक्शा से, तो रिक्शा में बैठता हूँ तब मैं आपको मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस रिक्शा में बैठ गया हूँ। तो इसके ईस्ट वाले स्काई वॉक के नीचे ना एक्चुअली बैगनवाड़ी रिक्शा करके, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बैठो, फिर वहाँ से आपको गवंडी शिवाजी नगर का आवाज़ भी आया रहेगा, किसी ने बोला रहेगा, तो यहाँ से ही आप जाओगे। एक्चुअली वहाँ पे ना उड़ी ना बहुत सस्ता, और मतलब अपन वहाँ पे जाएंगे फिर वही मतलब शूट करेंगे, पूरा डिटेल्स बताऊँगा आपको गाइस कि क्या होता है क्या नहीं। तो ब्लॉग में गाइस आज ना कंटिन्यू देगा, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे। मतलब मैं कहाँ से उड़ी, मैं जो उड़ी पहनता हूँ ना वाइट ब्लैक करके, आपने ब्लॉगिंग में देखा रहेगा, तो वो कहाँ से लाता हूँ क्या करता हूँ आज आपको पूरा शेयर करूँगा। आपको भी चाहिए रहेगा तो आप जाके वहाँ से बाय करना, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, वो अपने ही दुकान है ऐसा समझो, क्योंकि मैं पहले से वहाँ पे जाता हूँ और मेरी जान पहचान वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गाइस मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा, वहाँ में एक उड़ी एक या दो आपके लिए मतलब मेरे लिए वो दो उड़ी तो लाऊंगा उधर से लेके। तो मज़ा तो आएगा गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीना देखो कितना निकल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं अभी इधर से ये लेके आऊँगा, उसके बाद में जाके डायरेक्ट ना घर पे जाऊँगा, फेस पे थोड़ा केयर करूँगा। तो है गाइस फाइनली हम लोग गली नंबर 8 में आ चुके हैं, उनका शॉप गली नंबर 8 में ही है। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड आने वाला था लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। तो गाइस ये व्लॉगिंग आज सोलो ही पूरा रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी जल्दी जल्दी आना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप है। अब मैं आपको आपको आई थिंक मेरे को दिख रहा हूँ या नहीं ये भी नहीं पता मेरे को, अब मैं फटाफट जाने वाला हूँ वहाँ पे। मेरे को एक्चुअली मेरे को धूप ज़्यादा भी पसंद नहीं है, तो ये गली नंबर 8 है, अब मैं यहाँ पे डेली आते रहता हूँ। अब मैं जाऊँगा अपना मतलब पहले से दुकान है वो, मतलब वहाँ से मैं कोड़ी सिलाता हूँ वही करता हूँ। तो आज जो मेरा एक फ्रेंड है इधर ही रहता है, वो नहीं आ पा रहा है, तो आज मैं अकेले दो उड़ी लेके जाऊँगा। मैंने ऐसा प्लान डिसाइड कर दिया हो, तो अभी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो आपको किसी को चाहिएगा तो गवंडी में आना, गली नंबर 8 में आना,
आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, या तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो चलो पास ही में, तो जल्दी से जाएंगे और बाय करेंगे उड़ी। पहले लोग मेरा ये लेके, अभी मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा लगता है। दुकान क्लोज है उनका, मेरे को लग रहा है आएंगे वो। इतना ज़्यादा गर्म, अब घर पे जाके मेरे को ये करना पड़ेगा, फेस वॉश करना पड़ेगा या तो कुछ। एक्चुअली ज़्यादा धूप भी है ना, तो इसलिए ना क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो। तो मेरे पास सब पब्लिक देख रही है एक्चुअली गाइस, आगे पीछे यहाँ पे एक्चुअली बहुत क्राउड है, बहुत पब्लिक है, बोलते ना बहुत रश है वो प्लेस में। मतलब बहुत व्लॉगिंग करना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सब ऊपर से आ रहे, वो तो खोल रहे दुकान वहाँ पे है, तो जाएंगे अभी 5-10 मिनट में जाएंगे वहाँ पे, उनसे मिलेंगे, उनका आपको इंट्रोडक्शन कर दूंगा और फिर उड़ी कैसा उन लोग मतलब सिलाते वो भी बता दूंगा। और मैं एक ब्लैक कलर की उड़ी ले रहा हूँ, और अभी आगे का एक दूसरी उड़ी वो मेरे को पता नहीं, अभी उधर जाऊँगा उनसे गेस्ट करूँगा और मैं शेयर कर दूंगा वैसे ही। मेरे को वहाँ से पता है क्या, जावेद अंकल ना देख रहे। ऐसे ऐसे कर रहे, आजा आजा आजा। अब मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब उनको प्रॉपर पूरा खोलने दो तब जाएंगे, क्योंकि जाते ही मैं बकवास स्टार्ट कर दूंगा उनके पास। अभी देखते हैं ना। तो चलो मैं आगे जाके आपको फ्रंट कैमरे से उन लोग का फिलहाल दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं नेक्स्ट मंथ में गाइस आऊँगा, मैं यहाँ पे मतलब सलीम भाई आज नहीं है कंफर्टेबल अपने शूट के लिए अवेलेबल, तो मेरे को नेक्स्ट मंडे बुला रहे, तब अपन ज़्यादा करके इनसे बात करेंगे, अभी आज के दिन नहीं करेंगे इतना। आज नॉर्मल वीडियो रहेगा, बिकॉज मैं एक ही उड़ी लेके जा रहा हूँ यहाँ से, तो इसकी प्राइस मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मेरी उड़ी का वेट करना गाइस, कटिंग हो रहा है, फिर बाद में पीछे सिलाई होगी उसकी, तब प्रॉपर रेडी होगा, तब मैं पेन के आपके सामने आऊँगा। एक्चुअली मैं आपको बता दिया हूँ, गवंडी में 8 नंबर गली में इनका शॉप, तो शॉप का नाम भी आपको पीछे दिख रहा होगा, ऐसा उल्टा दिख रहा होगा, बाद में मैं बता दूंगा क्या है ना। तो अभी सिलाई हो रही हुडी की। हाय करो अंकल। कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम लगता है एक को सिलने के लिए? 15 मिनट में गाइस एक सिलता है।
रिसेंटली बहुत देख लिया अपने उड़ी का, बहुत चिल्ला रहे, तो अभी बातें करेंगे ज़्यादा। अभी मैं एक्चुअली नेक्स्ट मंथ में एक्चुअली फिर से यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बोल रहे कि आने के लिए ज़रूर, बिकॉज ये बहुत सारा मतलब उड़ी से ये मतलब सिलाने वाले। मैं भी यहाँ पे से दो या तीन चार बाय कर लूँगा, मैं मतलब सिलाने रहता खुद से, मतलब अभी भी यहाँ पे आओ रेडीमेड 15 मिनट में लोग एक उड़ी प्रॉपर सिला लेते। तो गाइस आ जाना, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा गाइस, तो कॉल कर लेना उनको, मेरा नाम बता देना आशिक करके, मेरा नाम आपको भी पता ही कल के उड़ी बन रही है। मकसद था मेरा कि यहाँ पे लेके आने का काम, कि मैं कहाँ से मेरी उड़ी मतलब सिलाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब मुझे आपको दिखाना था। तो फाइनली आपको पता चल गया होगा कि कबड्डी में आठ नंबर गली में शॉप आपको यहाँ पे दिखता होगा, तो नाम है ये, कॉल कर लेना और आ जाना और सिला लेना। आपको उसका प्राइस भी मैं लास्ट में बता दूँगा कितना है क्या है, डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा धूप है ना गाइस, तो वो गवंडी पे लग रिक्शा एक्चुअली हाँ मेरे को फर्स्ट ऑफ आपको ये बताना था कि गाइस मैं ऑटो में ज़्यादा नहीं शूट कर पाया, एक कपल था मेरे बाजू में तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं शूट करता ना तो लोग आ जाते, इसलिए मैं शूट नहीं गया पूरे रिक्शा में, वो भी यहाँ पे आए थे एक्चुअली ऑडियंस के समझ जाओ डी एफ को सिलाना था, इसलिए लोग यहाँ पे आ गए, तो पूरा ऑटो में मेरे साथ यहाँ पर लग गए, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया वो वाली डायरेक्ट। इसलिए यहाँ पे ना मैं एक साल दो साल हो गया मेरे साल मेरी फोर हजार रुपये यहाँ पे भी बन रहा हूँ। एक्चुअली मैं उड़ी ना मतलब रेडीमेड बाय नहीं करता हूँ, बिकॉज क्योंकि वो लुक में ना फिर से नहीं मिल पाता जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैसा आज भी एक वो पैटर्न में अपन ने मतलब बना दिए ना उड़ी, तो बाद में वो एक साल के बाद भी आ जाओगे ना तो वैसा अपन सिला सकते, तो इसलिए यहाँ पे आना और यहाँ पे सिला लेना गाइस, बिकॉज रेडीमेड में कुछ नहीं। और तीन बार ऐसा ट्रैवलिंग का ब्लॉग लेके आया हो, नहीं तो मैं लास्ट ब्लॉग में भी मैंने एक्चुअली क्विप का डाला था, उस पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला गाइस, तो जाओ देखो क्विप सॉल्व कैसा करते हैं। आपको सीखना होगा तो मेरे को कमेंट्स में वो वाले वीडियो में बताना कि मैं तीन वीडियो बनाऊँ या नहीं, वन और टू और थ्री लेयर बाय वीडियो आपको सीखना होगा तो मेरे को बता देना और मैं सिखा दूँगा 101% आपको सीखने के लिए आ जाए। बोलते टोपी
गाइस कैसा लग रहा है? तो ये गाइस देखो, इसमें पॉकेट लगा है और देखो उसमें ना नहीं लगा है उसमें। तो आपको अगर यहाँ पे पॉकेट लगाना है तो आपकी मर्जी से आप लगा सकते हो, अगर ना भी लगाना है तो नहीं लगा सकते। इससे प्राइस मतलब बढ़ता है क्या? लगाने से बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा लगता है, जो भी होगा वो आप डिस्कस कर लेना यहाँ पे आके। शॉप नंबर में बता दूँ आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाना और चेक कर लेना ये शॉप, यहाँ पे आना, जो है वो डिस्कशन कर लेना, कर देंगे डिस्काउंट, कर लोगे ना डिस्काउंट थोड़ा बहुत, हाँ तो कर देंगे। तो आ जाना, सिला लेना, बहुत अच्छा है ये। देखो मैं भी ये सिलाया हूँ और एक कुड़ी सिलाया हूँ ये। तो अभी चलो, अभी और देखेंगे, मैं नेक्स्ट मंथ में और मंडे का होगा तो और हार्ड इसको एक्सप्लोर करूँगा गाइज, अभी के लिए इतना ही है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, टिल देन स्टे बाय बाय।